नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापत आपका विजयनगर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और देखिएगा, यहाँ तक अपन ने जो पटवार में कांस्टेबल के जो पेपर थे उनमें से कैलेंडर टॉपिक अपन ने पूरा कर लिया था, उसके क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए थे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर होगा जिसके क्वेश्चन अगर मान लीजिए अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत आएगी तो उनको अपन और आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, इसके बाद जो है हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज आकृतियों की गणना वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आज आकृतियों की गणना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिएगा आकृतियों की गणना, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से अपने को अक्सर परीक्षा में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से मिलता है और एक से अधिक भी मिल जाता है अपने को। ठीक, देखिएगा ये जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और देखिएगा कांस्टेबल पटवार दोनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पटवार में 60 क्या कांस्टेबल में 60 प्रश्न इसमें से आएंगे। ठीक है, तो इन पर बातचीत करना हमारा अनिवार्य हो जाता है और इसी के कारण अपने को 60 प्रश्न जो आएंगे उनमें से कंप्यूटर में रीजनिंग दोनों मिक्स रहेगी। तो माना कि कंप्यूटर के 20 प्रश्न आए, 10 प्रश्न आए, तो बाकी बैठे पूरा रीजनिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से अपने को ध्यान देना अनिवार्य है। आकृतियों की गणना करने के लिए अपने पास पहले करते तो कौन कौन सी आकृतियों की गणना कराई जा सकती है उनके संबंध में बातचीत कर लेते। पहला जो होगा वो होगा हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्राइंगल या त्रिभुज, उसकी गणना हमसे कराई जा सकती है। ठीक, उसके बाद में देखिएगा दूसरा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास आयत, तीसरा जो होगा ठीक है वो हो जाएगा हमारे पास वर्ग, और चौथा जो होगा ठीक है माना कि उसमें कोई भी अपने पास समांतर चतुर्भुज हो चाहे मिले और कोई चतुर्भुज हो इनके बारे में बातचीत हो सकती है। देखिएगा पहले पहला त्रिभुज, दूसरा आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज, इन तीनों को देख लेते हैं किस प्रकार के डायग्राम होते हैं इनके। तो देखिएगा आपने इससे पहले त्रिभुज के संबंध में जानकारी होगी कि तीन भुजाओं से मिलकर बनने वाली बंद आकृति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक कंडीशन और आती है इसकी, क्योंकि इन दो भुजाओं का जो योग होता है वह तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए बड़ा नहीं होगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। यहाँ से भी एक बार रेलवे में प्रश्न आया हुआ है, तो चलिए इस पर बातचीत ज्यादा समय तक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि रेखागणित का टॉपिक है, वहां पर अपन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा आयत, आयत के संबंध में अगर बात की जाए तो लंबाई और जो चौड़ाई होती है ठीक है उनके संबंध में बातचीत की जाए तो लंबाई का मान समान और चौड़ाई का मान, लंबाई और चौड़ाई का मान दोनों का क्या होता है, असमान होता है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, तो देखिएगा एक दूसरे के बराबर हो गई और इनके प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री। वर्ग जो आकृति होती है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज और आयत में ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि भाई शीर्ष पर जो बने हुए कोण होते हैं उनका मान 90 डिग्री आयत में होता है और इसमें नहीं होता। आमने सामने की भुजाएं तथा इनकी जो लंबाइयों का मान होता है, क्योंकि इन भुजाओं का मान समांतर लंबाइयां भी क्या होती है, समान होती है। चलिए ये जो चारों बिंदु है इन पर बातचीत कर रहे थे हम, वैसे हम स्टार्ट करते हैं अपन हमारे जो रीजनिंग का टॉपिक है त्रिभुज उस पर बातचीत करते हैं। देखिएगा रीजनिंग के टॉपिक त्रिभुज पर बातचीत करते हैं कि भाई कितने त्रिभुज होंगे, कैसे क्या कैलकुलेशन की जाएगी। देखिएगा प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं उन प्रश्नों में क्या होता है कि अक्सर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैलकुलेशन करें तो उस समय पश्चात या अधिक समय लेने के बाद पेपर के पश्चात तो हम उस प्रश्न को सॉर्ट आउट कर लेते हैं लेकिन परीक्षा में नहीं कर पाते, तो उनके लिए अपने को थोड़ी सी ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा जिसके कारण हमें आसानी से उन प्रश्नों को हम सॉल्व आउट कर पाएं। अलग अलग टाइप से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको प्रत्येक प्रश्न को हल करवाऊंगा ठीक है, और उसका मेथड भी बताऊंगा। यदि परीक्षा में ट्रिक भूल जाए तो मेथड भी आप सीख कर उससे भी आंसर कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बाद में त्रिभुज। ठीक है, तो देखिएगा त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि त्रिभुज जो होती है ठीक है वो तीन रेखाखंडों से मिलकर बंद आकृति को हम क्या, मिलकर बनने वाली बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारे पास कि ये जो दिए गए जो त्रिभुज है इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, एक है। अब देखिएगा यदि मैं इसी त्रिभुज में और
चीज ऐड कर दूं कि भाई यहाँ से यहाँ पर एक लाइन और की, तो बताइए कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा। तो देखिएगा इनको देखते ही पहले अपने दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर एक त्रिभुज तो इसका निर्माण हो गया, दूसरा त्रिभुज ये, ठीक है, तो कितने त्रिभुज हो गए, दो, जबकि दो ना होकर कितने, एक दो एक, मतलब देखिएगा एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये और तीसरा त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर बनाने वाला, ठीक है। देखिएगा इसको पढ़ने से पूर्व अपन इनकी विधि देख लेते हैं, विधि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। देखिएगा विधि में क्या होता है, स्टेप वन, पहले पहले तो नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग के बाद में देखिएगा एक अंक से मिलकर बनने वाले त्रिभुज, एक अंक से मिलकर बनने वाले त्रिभुज। देखिएगा एक अंक से मिलकर बनने वाले त्रिभुज कितने हैं अपने पास, एक और दो, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक अंक से कितने त्रिभुज मिलकर कितने त्रिभुज बने हैं, तो देखिएगा दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया। कौन कौन से बने हैं, तो देखिएगा एक नंबर और दो नंबर, यहीं से पूछ गए कि एक अंक के बाद में कितने अंकों से, दो अंकों से मिलकर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, तो यहाँ पर देखिएगा एक त्रिभुज बना और वह कौन सा है, एक और दो के मिलने से, मतलब ये दोनों एड हो गए तब एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, तीन। लेकिन हमारा जो मेथड है, ठीक है, वो जो मेथड है इसको छोड़कर अगर हम ट्रिक की बात करें तो देखिएगा ट्रिक में क्या होगा, ट्रिक में सीधी सी बात है, आप क्या करिए ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको ऐड कर लीजिए, एक और दो कितने हो गए हमारे पास, तीन, तो आता है हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तीन। हमने कैलकुलेट करके भी देखा तो भी कितने आए, तीन। तो चलिए ट्रिक क्या कहती है, तो देखिएगा एसटीएम में ये कहती है अंकों का योग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अंकों का योग। लेकिन देखिएगा हम ट्रिक तो याद करते हैं लेकिन उनकी कंडीशन अक्सर भूल जाते हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि जब भी कभी अगर मान लीजिए किसी आधार से, मतलब किसी आधार के सामने वाले शीर्ष से यदि कोई रेखा खींची जाती है तो फिर बाद में उससे निर्मित होने वाले त्रिभुजों में हम अंकों का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं दो तीन प्रश्न करवाता हूँ इसी के, तो यहाँ तक आप बता लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माना कि इसमें मुझे त्रिभुजों की संख्या कुल ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिएगा हमारी शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि पहले पहले तो आप अंक दे दीजिए सर, तो मैंने अंक दे दिए एक दो तीन और चार, फिर बाद में क्या कर लीजिए इन अंकों को ऐड कर लीजिए, दो और एक तीन, तीन और तीन छः, छः और चार कितने हो गए, दस, ठीक है, तो दस आंसर हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, दस आंसर होना चाहिए। फिर बाद में देखिएगा दूसरा प्रश्न या मेथड से देखते हैं इसी प्रश्न को, ठीक है, तो मेथड से देखने पर देखिएगा ये यहाँ पर इसी चित्र को मैं और बना देता हूँ फिर बाद में कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समझ में आ जाना चाहिए, बाकी अपने को करना नहीं है परीक्षा में ऐसे। चलिए देखिएगा एक त्रिभुज ये हो गया, दो त्रिभुज ये हो गए, तीन त्रिभुज ये हो गए, चार त्रिभुज ये हो गए, एक अंक से मिलकर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, चार, एक दो तीन चार, फिर बाद में देखिएगा दो अंकों से मिलकर बनने वाले, तो देखिएगा एक और दो, तो ये बन गया एक त्रिभुज, फिर बाद में देखिएगा दो और तीन ये बन गया, फिर बाद में देखिएगा तीन और चार, मतलब कितने त्रिभुज बने, एक नंबर ये, दो नंबर ये और ये अंतिम वाला तीन नंबर, तो दो अंकों से मिलकर कितने बने, तीन, कौन कौन से, एक और दो और तीन, तीन और चार, फिर बाद में देखिएगा तीन अंकों से मिलकर बनने वाले, देखिएगा तीन अंकों से मिलकर बनने वाले हो गए हमारे पास एक दो और तीन, ठीक है, फिर बाद में देखिएगा दो तीन और चार, आप देखेंगे तो इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा, देखिए त्रिभुज बन गए दो, फिर बाद में देखिएगा चार अंकों से मिलकर बनने वाला, तो केवल मात्र एक ही है,
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे लिख देंगे, वापस टोटल करिएगा तो कितना आएगा 10। तो ये मेथड था जो मैंने आपको समझा दिया, इसके बाद जो होगा ठीक है मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है तो देखिएगा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कितने त्रिभुजों की संख्या होगी, त्रिभुजों की संख्या होगी हमारे पास 10। ये लिखते हैं नया सवाल, देखिएगा दूसरा जो प्रश्न है उसको अध्ययन करते हैं। इसमें यदि आपको त्रिभुजों की संख्या कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करते हैं, वापस वही देखिएगा, नंबरिंग दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पर नंबर दिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर बाद में वापस क्या करिए, इनकी टोटल कर लीजिए, 2 और 1, 2 और 1, 3, 3 और 3, 6, 6 और 4, 10, 10 और 5, 15, 15 और 6, कितने हो गए हमारे पास 21। तो त्रिभुज कैलकुलेट करोगे तो कितने आएंगे 21। फिर बाद में देखिएगा यदि अपने पास प्रश्न थोड़े से और परिवर्तित आ जाए ठीक है तो देखिएगा वो कैसे करेंगे। तो देखो प्रश्न लिख रहा हूं मैं एक नया, हाँ इसी में यदि अपने को याद करना हो कि भाई त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, तो देखिएगा अपने पास त्रिभुजों की संख्या 1 और 2, तो स्ट्रिक के अनुसार कितने हो गए 3। फिर बाद में देखिएगा 1 और 2 वापस कितने हो गए 3, 3 और 3 कितने हो गए टोटल करके अपने पास 6, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 6। ठीक तो देखिएगा अपने पास कितना हो जाएगा 1 और 2, 3, फिर 1 और 2, 3 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6। यदि मैं यहाँ पर एक और प्रश्न बनाता हूँ ठीक है, और ये जो स्टेप्स हैं वो दो ना होकर अगर मान लीजिए कितनी हो 3 हो और ये संख्यात्मक मान में भी क्या हो परिवर्तन हो, देखिएगा इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या होगी। तो हम चेक करते हैं तो देखिएगा आपके पास क्या होता है, वापस यहाँ पर नंबर देंगे तो देखिएगा आपके पास 1, 2, 3 और 4। फिर बाद में देखिएगा 1, 2, 3 और 4, फिर बाद में देखिएगा 1, 2, 3 और 4, वापस देखिएगा यहाँ पर क्लियर करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हो जाएंगे कितने अपने पास, ये जो हो जाएंगे टोटल 10, फिर बाद में 10 और ये 10, तो कितना हो जाएगा 30। ये आप 10 सेकंड में आंसर निकालोगे, बाकी अगर मान लीजिए कैलकुलेशन करनी हो तो 30 त्रिभुजों को कैलकुलेट करना बेहतर से बड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए यहाँ तक का आपने अध्ययन किया ठीक है, इसके बाद में हम लेते हैं अपन क्वेश्चन ठीक है, जैसे क्या क्या क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। तो आप एक तरीका और उपयोग में ले सकते हो, जैसे यहाँ पर 3 स्टेप थी तो आप 10 को किससे गुणा कर दो 3 से, लेकिन देखिएगा ये स्टेप थोड़ी सी यहाँ पर परिवर्तित हो जाती, तो इसीलिए मैंने वो बताया नहीं आपको। देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं, यदि आप परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो देखिएगा इन त्रिभुजों को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास क्या तरीका है। देखिएगा इसमें क्या होगा, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 कितने हो गए 1, 2, 3 और 4। तो देखिएगा इसमें कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास कितने त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 10। फिर बाद में नेक्स्ट देखिएगा वापस ऊपर देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 कितने हो गए 10। लेकिन अब 5 और 6, 7, 8 ऐसे नंबर अपने को नहीं देने, वापस यहाँ पर एक नए त्रिभुज का निर्माण होगा और उसमें देखिएगा सिर से क्या आ रहा है अपने पास, सिर से सामने वाली भुजा पर क्या हो रहा है एक विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पर भी वापस क्या लिखेंगे 1 और 2, फिर लिखेंगे 1 और 2, तो यहाँ पर देखिएगा इनसे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3 और वापस इससे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 3। तो अब टोटल अगर पूछ लिया जाए आपसे तो क्या जाएगा 10 और 10, 20, 20 और 3, 23, 23 और 3, 26, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 26। चलिए एक ऐसा ही प्रश्न और देख लेते हैं फिर बाद में आगे चलेंगे।
अब देखिएगा इसमें किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाए, तो देखिएगा इसमें वापस वही देखिएगा, यहाँ पर एक दो तीन और चार जो हमारे पास पहले बन रहे थे वैसे ही कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। फिर बाद में देखिएगा यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गए हमारे पास 10। वापस इस लाइन की अगर बातचीत की जाए तो वापस यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1, 2, 3 और 4 कितनी हो गई 10। फिर बाद में देखिएगा यहाँ पर हो जाएगी 1 और 2 तो कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पर 1 और 2 कितनी हो जाएगी 3। फिर बाद में देखिएगा 1 और 2 वापस कितनी हो जाएगी 3। फिर बाद में देखिएगा 1 और 2 वापस कितनी हो जाएगी 3। तो देखिएगा कितना टोटल हो जाता है, तो देखिएगा 3, 3, 3 और 3 3 4 कितने हो गए 12। ठीक, अब अपने पास टोटल तो 3 3 कितने बार है 4 बार, तो इसका मतलब कितना हो गया 12। फिर बाद में 10, फिर बाद में 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 2 कितने हो गए 32, तो 32 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है और कैलकुलेशन करनी है। इसी टाइप के जो प्रश्न होते हैं इनको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए, ठीक है, जो कि प्रश्न अपने को परीक्षा में एक बार पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है, तो एक बार बातचीत करते हैं। एसटीसी में आया हुआ प्रश्न है 2015 में, उसको देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न इस प्रकार का आया था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लगाने का तरीका आपका सही होना चाहिए, ट्रिक तो मैंने बता दी, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अक्सर हम लगाते सही नहीं। तो देखिएगा इसमें अगर मान लीजिए आपको त्रिभुजों की संख्या पूछ ली जा रही है, तो इस प्रकार से कैलकुलेट करें। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि एक वर्टेक्स या एक जो शीर्ष होगा उस शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर क्या डाला जाए, अगर हम क्या लंब क्या कोई रेखा अगर मिलाई जाए तो देखिएगा हम इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों को मैं अलग अलग करके पढ़ता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर मैं इस ट्रिक को लगा सकता हूँ, वापस इधर मैं इस ट्रिक को लगा सकता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए हैं मेरे पास, तो 1, 2, 1 और 2 तो कितने हो गए, यहाँ पर मुझे 3 त्रिभुजों का निर्माण मिल गया, यहाँ पर वापस 1 और 2 इतने त्रिभुजों का निर्माण मिल गया 3 का। फिर बाद में देखिएगा इन दोनों को मिलाने से, तो इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो देखिएगा मिलाने पर वापस एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, और एक त्रिभुज तो ये बन गया, फिर बाद में दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा ये बन जाएगा, तो कितने बन गए अपने पास 3 और 3 6 6 तो त्रिभुज ये हो गए, ठीक है, और 7 जो मैंने एक यहाँ पर बनाया था जी, और एक क्या हो जाएगा 8, तो देखिएगा 1 और 1 कितना हो गया 8, तो हम अगर मान लीजिए लिखना चाहें तो हमारे पास आंसर कितने हो जाएंगे 8, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 8। देखिएगा अब तक अपन ने जो पढ़ा, ठीक है, उसके अनुसार जैसा कि हमें गया, जब तक इन दोनों में अगर मान लीजिए शीर्ष जो होता है उससे अगर मान लीजिए सामने वाली भुजा से कोई लाइन मिलाई जाती है तब हम स्ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल हमने इस जगह पर सीखा। आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी प्रयोग में ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और एक नया सवाल देखते हैं, तो नया सवाल देखते हैं अपना,
चलिए यहाँ पर देखते हैं इस वाले प्रश्न में देखिएगा अपने पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कैलकुलेट करनी है। त्रिभुजों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए देखिएगा वापस वही ऊपर हम ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि देखिएगा सामने तो एक शीर्ष हो गया और इस शीर्ष से क्या हो गया सामने वाली भुजा पर लाइन खींची गई 1, 2, 3 और 4 तो कितने हो गए टोटल हमारे पास देखें अपन टोटल करें तो अपने पास हो गए 10। फिर बाद में देखिएगा 1, 2, 3 और 4 कितनी हो गई 10। फिर बाद में देखिएगा 10 उसके बाद में देखिएगा इनको मिलाने से अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या देखिएगा यहाँ पर देखेंगे तो ये वापस मिलाएंगे तो एक त्रिभुज तो इसका निर्माण हो जाएगा। फिर बाद में देखिएगा एक त्रिभुज इसका निर्माण हो जाएगा 2 हो गए ठीक। तो अपने पास टोटल तो कितने हो गए 20 + 2 ठीक। फिर बाद में देखिएगा 1 फिर बाद में एक और त्रिभुज इसका निर्माण हो जाएगा तो कितने बन गए 2 और वापस हो तो अपने पास टोटल त्रिभुजों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई 24 ठीक है। अब देखिएगा इसी में देखें अपन तो देखिएगा इसमें थोड़ी सी बीच वाली जो लाइन है वो नहीं है, क्या है बीच वाली जो लाइन है वो नहीं मतलब ये वाली लाइन नहीं है तो बताइए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी देखिएगा 1, 2 और 3 फिर वापस देखिएगा 1, 2 और 3 ठीक है 3 और 3 कितने हो गए हमारे पास 6 फिर वापस क्या हो जाएंगे 6। अब देखिएगा टोटल मिलाने पर हम 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 आंसर इसलिए होंगे क्योंकि बीच वाले को मिलाने से कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिएगा ये और ये इनको मिलाऊं तो एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। यहाँ से मैं यहाँ पहुंचू तो कितने हो रहे है ना कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है जबकि यहाँ ऐसा हो रहा है 1, 2 और 3 ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर ये बन रहा था दूसरा ये बन रहा था फिर बाद में तीसरा ये वाला बन रहा था और चौथा ये बन रहा। इस प्रकार से हमें ये तो हो गए अपने पास 24 और ये कितने हो गए टोटल 12। चलो तो इस प्रकार से मैंने आज आपको आकृतियों की गणना बताई है ठीक है। इस टॉपिक से त्रिभुज वाला जो टॉपिक था इसमें से कुछ सवाल करवाए इनमें से त्रिभुजों की टॉपिक है उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे और आगामी जो क्लासें होंगी उसके अंदर ठीक है। और उसके साथ साथ अपन इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको भी कल करेंगे ठीक है। तो आप इसी प्रकार से जो पहले आप जो मेरी वीडियो देख रहे थे ठीक है उसी प्रकार से देखते रहिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा ठीक है। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगामी जो क्लासें होंगी उसके अंदर मैं आपको इस जो त्रिभुज है उसकी आगे की सीरीज को कंप्लीट कराऊंगा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए।